अब भारत अपने इतिहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहते हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, मैं कब हो गया ये? और अभी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कब हुआ कब? आप नरेंद्र मोदी के तासुब ज़दा बयान जब पढ़ लेते हैं, गुजरात का वाकया सबको याद होगा, मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, मतलब वो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। अच्छा बात नहीं है। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सुनते जाइए। एक अदारा मजबूत था वो आर्मी का, था वो आज भी मजबूत है। हाँ भाई हाँ। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहें तो फिर। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हैं, लाबी और हाबी। और सुने, पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। हाँ। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर वन आर्मी है, नाकाबिले शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। मैं मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने तीन चीजें पकड़ ली, उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाजें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं। मैं बताता हूँ चौथा काम करते हैं, चार शादी के लिए उकसाते हैं, बेहतर हूरों की खूबियां बताते हैं। जरा सुनिए। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज 130 फुट है। बेहतर हूर कैसी दिखती है उसके बारे में बताते हैं। ये हूरे होती हैं, जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनके, तो वो धुंधला पड़ जाएगा। हलाला के बारे में बताते हैं कि हलाला कैसे करना चाहिए। लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही, मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला, हलवा खाएं और सो जाएं। कितने हलाला सेंटर बना रखे हैं, सारे मौलाना हलाला करने के अंदर एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या बात कर रहे हो जनाब, बहुत कुछ काम करते हैं मौलाना तो, और सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि अपने माशरे को, अपने समाज को जाहिल बनाते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं, हल्के में मतलब मौलाना को। तो मैं आपकी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाता नहीं हूँ और सीधे चलते हैं पाकिस्तान। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो हाथ है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज है उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो, अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नजर आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है, हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। और नहीं तो क्या? और ये पूरी फौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर के जो जो ब्रिगेड होती है ना, जनरल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सही बात है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लॉ लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफर नहीं करेगी उससे? आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आए उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखें ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब तीन तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं, उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी वो खेतों में काम करती दिखाई गई है, चाइना की औरतें थी उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया, बांग्लादेश की औरतें वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम करें, और पाकिस्तानी औरतें बेनजीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती है, आखिर में 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये के लिए पूरा दिन खराब कर लेती है। वाह जिन्ना वाह, क्या मुल्क बनाया तूने जिन्ना, ये दिन देखने के लिए तूने मुल्क बनाया जिन्ना। हाँ भाई हाँ। है जिन्ना, क्या मिला तेरे को इस भारत माता के तीन टुकड़े करके? जिन्ना मैं पूछता हूँ तेरी कब्र से तुझे झंकोरते हुए, तू बता जिन्ना, तू बता। Oh, no.
इंडिया में बिल गेट्स आया तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हैरान हुआ, तो मोदी ने आगे से कहा कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि जो देहातों में औरतें किसानों की तरह काम कर रही हैं ना, काट रही हैं, फसल बना रही हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। अब इसरो में जब गया, ऊपर चांद में गया, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन औरतें थी, वुमेन्स थी, वहाँ पर औरतों को इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरतें महफूज नहीं, पाकिस्तान में महफूज है, हरगिज़ नहीं। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नज़ारा करना है राइट नाउ, अभी मेरे साथ अनारकली बाजार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है, वहाँ कितने ओबाश फिर रहे हैं जो इस वक्त उनका काम ही कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, ये आप खुद जाके देख लें। पाकिस्तान में औरत की इज्जत इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। अरे गधे कुत्ते बिल्ली बकरी सब सब चलते हैं मौलाना के आगे, मौलाना के लिए सब जायज है, सब वाजिब है, यही तो कयामत है। तो ऐसी है कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें। अगर हम बात करें ना जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया, अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओके हमारा है और वो खुद आएगा ये देख लेना, मतलब इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, बहुत उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं, वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा। जितनी उनकी बड़ी आबादी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंग बंदी करवा दो, क्लेम करते हैं हम जीते हो। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहां से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था, खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे, आपके जनरल ने कहा कि हमने नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या देख लें कैसे छोड़ा? एक ही चीज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है, ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है, हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो, हमें तो मौका ही नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं आप कहते हो नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है? उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है, हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती, हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं लड़ किसी के, वो कहते ना एक कुआँ था, कुएँ में जनाब वो सारे रखे हुए थे, हर एक कुएँ के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआँ खाली था, उसने कहा ये खाली क्यों है? कहते इसमें पाकिस्तानी है, उसका क्या मतलब? उसने कहा एक इस निकलने की कोशिश करता है बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें, जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुतफे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई साहब ने नबी तुली खरी खरी बातें पाकिस्तान को सुना दी, ये बात हम सुनाते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ये भाई साहब हमारे व्यूअर हो, इनके दिमाग में बैठ गई हो, इसके लिए आज मुझे बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी पाकिस्तानियों को समझाने के लिए। ऐसे लोग हो जाए तो पाकिस्तान का कुछ हो बन सकता है, कुछ संभावना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे पहले पार्ट में जो हमने देखा कि चलती औरत को मदरसे साहब दुपट्टे पहना रहा है, तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है। ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो है ना, जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। Okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।